कि आज 6 अक्टूबर है और फाइनल कोचिंग क्लास के जो प्रांगण में कक्षा 10th के बच्चों का ग्रुप डिस्कशन कराया गया। और जैसा कि आप देख पा रहे, 3 ग्रुप बनाया गया, ग्रुप ए डाल्टन, ग्रुप बी का नाम रखा गया न्यूटन, ग्रुप सी आइंस्टाइन। और तीनों ग्रुप में ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट हुई और जिसमें जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से लेकर न्यूमेरिकल्स सारे क्वेश्चन अराइज किए गए बोर्ड मॉडल्स के सहित, और बोनस के साथ रखा गया था 3 ग्रुप को। और जिसमें पहला ग्रुप जो है डाल्टन ग्रुप जो है वह टोटल मिला करके वह 80 नंबर प्राप्त किए हैं, और 80 नंबर प्राप्त करने के साथ इसका विजय होता है। और ये जो है ग्रुप भी ये मार्किंग है और न्यूटन ग्रुप रखा गया, इनका मास टोटल है 69 और 69 नंबर के साथ आप देख पा रहे हैं पीछे है एक ग्रुप भी है आप देख पा रहे हैं, और ग्रुप भी जो है ठीक है, हाँ ये दूसरा स्थान प्राप्त किया है, बहुत अच्छा। ग्रुप सी ग्रुप आइंस्टाइन ग्रुप आप देख पा रहे हैं टोटल मार्क्स जो ये अचीव किए हैं 62 नंबर के साथ आप देख पा रहे हैं, ये थर्ड स्थान प्राप्त किए हैं, हाँ इनके लिए जोरदार ताली बजाया जाए। चलिए ग्रुप सी देख पा रहे हैं, ग्रुप सी है ठीक है। ग्रुप ए जो है विजय हासिल किया, यानी कि सफलता प्राप्त किए, विनर रहे ग्रुप ए डाल्टन ग्रुप। उसके जो लीडर है कृष्ण कुमार, आप बताएंगे जो है ग्रुप डिस्कशन आज के बारे में फीडबैक बताएंगे। आज का जो ग्रुप डिस्कशन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे एग्जाम के ढूंढे, और इसमें होता क्या है, सही बच्चा का जो सोच है, जो तरीका है क्वेश्चन लिखने का या जवाब देने का, उससे सभी में बढ़ता है और सभी इससे सीख पाते हैं। और बहुत ही अच्छे मज़ेदार क्वेश्चन भी था जिससे हमें बहुत मज़ा आया, और बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन ग्रुप डिस्कशन के लिए सर को। उसके बाद ग्रुप बी से हम पूछना चाहेंगे, सेकंड स्थान प्राप्त किए सुहानी से जो है, आप बताएंगे ग्रुप बी से आपको कैसा लगा इस तरह ग्रुप डिस्कशन, और आगे भी इसी तरह का होना चाहिए एग्जाम तक, आप इसके बारे में बताएंगे। बहुत अच्छा, कुछ सब बोलना चाहेंगे ग्रुप जी बी से सेकंड स्थान प्राप्त किया, क्या आपको लग रहा है कि अगले बार से जो है हम पहला स्थान प्राप्त करेंगे? सर सबसे पहले आपको थैंक यू जीडी कराने के लिए, हम लोग वैसे तो सेकंड किए हैं लेकिन कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हम लोगों का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का छूट गया था और अभी मैनेज हो चुका है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो जिनका जवाब हम लोग जानते थे, और बहुत ऐसे थे जो जिनका नहीं जानते थे, लेकिन इससे कोई हम लोगों को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि आज की जीडी में सभी क्वेश्चन का हम लोगों को सल्यूशन मिल चुका है, इसके लिए आपको। ग्रुप सी से अनुप्रिया कुमारी, आप बताएंगे आज का ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताएंगे। आज के ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रुप डिस्कशन में लिए तो पहले 9th में इस बार फर्स्ट रैंक लिए, लेकिन फर्स्ट तक नहीं ला पाए, अगले बार से हम लोग कोशिश करेंगे कि फर्स्ट रैंक आए। और इस ग्रुप डिस्कशन से एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही था और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी थे, थैंक यू। ठीक है, आगे जो है सुप्रिया से जो है आपका क्या मतलब उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन ग्रुप डिस्कशन से आगे आप कितना मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे मैट्रिकुलेशन में? सर आज का ग्रुप डिस्कशन काफ़ी अच्छा रहा, सभी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल थे, और आज का ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे कृष्णानंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके द्वारा सभी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल थे और उनका पढ़ाने का तरीका, एक ऑलराउंडर टीचर है, 360 डिग्री में वो पढ़ाते हैं। और क्या कहता है, ग्रुप डिस्कशन सभी स्टूडेंट्स का हेजिटेशन टूटता है और बच्चों का जो बोलने का लेवल होता है वो एक दूसरे के बीच विस्तृत होता है, और क्या कहता है, एक दूसरे के बीच विस्तृत होता है। और ये ग्रुप डिस्कशन से हम सभी स्टूडेंट में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट की घड़ी है, और आगामी एग्जाम में एग्जाम के व्यू से ये ग्रुप डिस्कशन हमारे लिए बहुत काफ़ी। क्या क्या लग रहा है आपको कि इस तरह से आगे कितना मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे? तैयारी रहा तो सर अच्छा, अगर तैयारी रहा कहीं ना कहीं इस ग्रुप डिस्कशन में हम लोग तीसरा स्थान प्राप्त किए हुए, हम लोग एक ग्रुप के कुछ स्टूडेंट की वजह से कम मार्क्स आ पाए हैं, 75% प्राप्त कर सकते अगर हमारा अच्छा तैयारी रहा। 75 भी इतना कम कि और ज़्यादा, अगर तैयारी अच्छा रहा तो 80 क्रॉस कर सकता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल बिल्कुल, आपको क्या लग रहा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो कितना मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं अधिक से अधिक, यदि इस तरह का टेस्ट यदि लगभग 8-10 ग्रुप डिस्कशन कराया जाए लगभग एग्जाम से पहले तक, तो आप कितना मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, कोई बताए जो अपने आप को चैलेंज करते हैं, बताए। हाँ परशुराम बताए आपको। क्या इस तरह का ग्रुप डिस्कशन आपने कहीं पहले किया था, उसके बारे में बताएंगे। पहले कभी नहीं किया था, पहले अनुसार जो पढ़ते थे तो वहाँ पर ये सब चीज़ नहीं होता था, लेकिन यहाँ आए तो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, देने में अच्छा लग रहा है, और सवाल सबका जो क्या उम्मीद है कितना मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे, तैयारी अच्छा है तो 90% प्लस आ सकता है। 90+, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, 90+ अचीव करेंगे।